इसमें किसान जो ये मांग करते हैं और बाकी दूसरे संगठन है वो भी ये मांग करते हैं कि ये तीनों जो कानून इन्होंने पारित किए हैं, अध्यादेश जो पारित किए हैं, इनको सरकार वापस ले और किसानों के लिए जो किसानों की फसल है उनका खरीद गारंटी कानून बनाए, जो अभी MSP के रेट जो किसानों के तय किए हुए हैं सरकार ने, जैसे नरमे का भाव 5700 रुपये है, गेहूँ का भाव 1925 रुपये है, सरसम का भाव 4400 रुपये है, धान का भाव 1850 रुपये है, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट व्यापारी अगर किसान की फसल खरीदता है तो वो जो MSP रेट है उससे ऊपर खरीदे, उससे कम ना खरीदे, ये कानून बना दे सरकार, और उससे अगर कम रेट के ऊपर कोई फसल खरीदता है तो उसको सजा का प्रावधान दे और किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। ये MSP खरीद गारंटी कानून हम चाहते हैं, ये सरकार बना के दे। दोनों चीजें जो आपने बताई, अगर संशोधन करके ये अध्यादेश में शामिल कर दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए तो फिर किसानों को विरोध रहेगा? अगर ये कानून सरकार बना देती है कि किसान का जो है फसल है वो MSP से ऊपर बिकेगी तो किसान के लिए ये अध्यादेश कोई मायने नहीं रखता। दूसरा, हम जो ये एक अध्यादेश लेके आ रही है सरकार, कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग और जो वस्तु अधिनियम जो कानून बना हुआ था जिसमें प्राइवेट कंपनियों के ऊपर एक लिमिट लगी हुई थी कि इससे ज़्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते और उसकी जमाखोरी करके कालाबाजारी नहीं कर सकते, वो वाक्य में देश के लिए खतरनाक रहेगा और उससे जो है जमाखोरी बढ़ेगी, कालाबाजारी ज़्यादा बढ़ेगी, उसको कानून को ना तोड़े। इसलिए हम पूरी जो मांग है उसमें यही है, जो ओपन मंडी कर रहे हैं उसके अंदर तो MSP खरीद की गारंटी कानून बना दे, बाकी जो नौ अध्यादेश हैं वो वापस ले, किसी भी सूरत के अंदर लागू ना हो। थैंक यू सर। में अकाली दल